खबर की ओर रुख करते हैं। करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार देखने को मिला है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, उन्होंने आईटी छापा में बरामद 200 करोड़ जनता के बताए हैं। उन्होंने कहा है पाई पाई उन्हें लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। तो देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि आए दिन लगातार केंद्रीय एजेंसियों की दबिश हमें देखने को मिली थी और लगातार इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय एजेंसियों की दबिश थी, लेकिन इस बीच ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से जुड़े किसी भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। खुले शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये पूरे जनता के पैसे हैं और जनता को पाई पाई लौटाना पड़ेगा। तो देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सरल शब्दों में इस बात का जिक्र किया कि ये पैसे जनता के हैं और जनता को इन्हें वापस लौटाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने इस पूरे बात को यह भी कहा कि ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि देखिए जो तरीके से चुनाव भी नजदीक है तो कहीं ना कहीं इनके इस पूरे पोस्ट को हर एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है कि आखिरकार ये पहली बार हुआ जब किसी भ्रष्टाचार से जुड़े झारखंड के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट हमें दिखाई दिया है। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता भावना का रुख करते हैं। भावना देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ जब झारखंड से जुड़े किसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वार करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ये जो पोस्ट किया, इस पोस्ट के भी कई मायने हैं। भावना देखिए, पहले लाइन में उन्होंने लिखा है कि ये जनता के पैसे पाई पाई कर उन्हें लौटाना होगा और अंत में उन्होंने लिखा कि ये मोदी की गारंटी है। तो मोदी सरकार ये गारंटी दे रही है कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जाएगा और ये जल्द से जल्द जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनके लिए एक बड़ा वार है प्रधानमंत्री की तरफ से। बिल्कुल, अभी अगर आपको बता दूं कि लगभग पिछले 3 दिन से आईटी के रेड चल रही है, सांसद धीरज साहू के जो है जहां जहां पर भी पता चल रहा है कि यहां पर पैसे होंगे, जहां अनुमान लगाया जा रहा है आईटी की तरफ से, वहां वहां पर रेड की जा रही है। इनकम टैक्स जो है लगातार रेड कर रहे हैं। आज का 3रा दिन है जो ये रेड हो रही है और आपको बता दूं एक ट्वीट जो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड आया है जिसमें कि लिखा गया है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी क्योंकि ये मोदी की गारंटी। और इसी के साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि लगातार जो है इस खबर को लेकर हमने भी सांसद धीरज साहू से बातचीत करने की कोशिश की दिल्ली की आवाज पर वो नदारद नजर आए, वो मिल नहीं पाए क्योंकि इस मामले को लेकर जो है ये मामला है पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा है। लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो बरामद हुआ है। यहाँ तक कि जो इनकम टैक्स के हवाले से जो खबर आई है कि जो पैसा है मशीनों से जो पैसा गिना जा रहा है, यहाँ तक कि वो मशीनें भी खराब हो गई है, ये हालत इस वक्त जो है हो गई है। और कई जगहों पर जो है आईटी की रेड हुई है जिसमें उनके रांची की अगर हम बात करें तो रांची में भी रेड हुई है। इसके अलावा जो है उड़ीसा के भी कई जगह है जहां पर ये रेड हुई है। ऐसे में ये कहना अब बिल्कुल सही होगा कि जो एक्शन मोड में जो है एजेंसियां आ गई है क्योंकि चुनाव अब 2024 के भी नजदीक है और उससे पहले अब ये देखा जा रहा है जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे में छापेमारियां शुरू हो जाती है, ईडी जो है वो सम्मन भेजना शुरू कर देती है, इनकम टैक्स जो है वो रेड मारना शुरू कर देती है। और कहीं ना कहीं ऐसी अब आने वाले समय में भी आपको खबरें सुनने को मिलेगी झारखंड के कई बड़े विपक्ष के लीडर्स के नेताओं से भी। और अभी फिलहाल जो मेरे पास अपडेट है उसमें यह है कि 200 करोड़ का जो कैश है वो बरामद हुआ है। झारखंड के जो सीनियर लीडर है धीरज साहू जो कि लगातार कांग्रेस में रहे हैं, उनके अलग अलग ठिकानों से उड़ीसा से लेकर झारखंड में छापेमारी हो रही है। लगभग ये छापेमारी पिछले 3 दिन से चल रही है, कई ठिकानों पे छापेमारी हो चुकी है। फिलहाल जो खबर है 10 से ज्यादा उनके ठिकाने हैं जिसमें ये छापेमारी हुई है। कौन कौन सी जगह है मैं चाहूंगी एक बार दर्शक जान ले क्योंकि मेरे पास कुछ अपडेट इस वक्त है। उड़ीसा की अगर आप बात करेंगे तो उड़ीसा के रायगढ़ में है और संबलपुर में जो है छापेमारी हो रही है। वहीं बंगाल में जो है कोलकाता में छापेमारी हो रही है। झारखंड में रांची और लोहरदगा जहां से खुद धीरज साहू आते हैं वहां पर ये छापेमारी हो रही है। और खबर यह है कि नोटों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मशीनें तक खराब हो गई है। 200 करोड़ रुपए जो है अभी फिलहाल गिने जा चुके हैं और उनको जो है अब बैंक में भेजा जा रहा है। यहां तक कि बताया गया है कि 157 जानिए इस बात को
कि जो बैग है वो लाए गए ताकि उसमें पैसा भर के भेजा जा सके, और जो बैग जब खत्म हो गए तो ऐसे में बोरियों का इस्तेमाल किया गया है पैसा भरने के लिए। यानी कि अनुमान लगाइए कि इतने बड़े पैमाने पर कैश जो है अलग अलग ठिकानों पर मिलना, तो ऐसे में आईटी और ईडी जो है अब वो ज्यादा सजग होती हुई नजर आएगी। और फिलहाल अभी भी जो है छापेमारी चल रही है, तीसरा दिन है आज जो आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। अब ईडी का संबंध भी जो है आप समझिए कि ज्यादा दूर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मामले पे ईडी भी बहुत जल्दी जो है लीडर्स को तलब करती है जब जानकारी मिलती है कि आय से ज्यादा संपत्ति जो है वो कहां से आई है और क्या इसमें मामला है। कुर्की भी जो है वो हो सकती है। फिलहाल जो है ये थोड़ा सा कानूनी दांव पेंच है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी यही अपडेट है झारखंड के दर्शकों के लिए कि 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है, 200 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। स्थिति यह है कि कैश को गिनना भी मुश्किल हो गया, मशीनें खराब हो गई, 157 से ज्यादा बैग मंगाए गए, बैगों में भी पैसा कम पड़ा तो बोरियों में पैसा भरा गया, और अभी फिलहाल कई ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है। ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जो है उनके भी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से जो है ये ट्वीट सामने आया, जिसमें मोदी की गारंटी का जिक्र किया गया और बताया गया कि जनता का जो पाई पाई लूटा गया है उसे रिटर्न करना पड़ेगा, उसे वापस करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे में जो है जिन भी लोगों पे आरोप लगते हैं खासकर पैसों को लेकर, उन पर देखा गया कि जो भी अगर इतिहास उठाकर देख लिया जाए, हिस्ट्री में थोड़ा सा जाकर देख लिया जाए, तो जो भी विपक्ष के ऐसे बड़े लीडर रहे उन पर एक स्ट्रांग कार्रवाई होती हुई नजर आती है। और अभी फिलहाल क्योंकि उड़ीसा की बात करूं तो बोग एक जगह है, इसके बाद बोलंगीर एक जगह है और गड़ा जहां पर अभी छापेमारी चल रही है, और इन पर जो है लगातार आयकर विभाग अपनी नजर बनाए हुए है। और भी जगहों को जो है अभी तलाशा जा रहा है जहां पर छापेमारी की जाएगी। फिलहाल अभी 10 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, और इसी के साथ जो है बताया गया है कि ना सिर्फ धीरज साहू बल्कि जो उनके जानने वाले लोग हैं उनके उन पर भी नकेल कसने की कोशिश आयकर विभाग कर रहा है। उनके भी घरों पर जो है छापेमारी के अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो है अभी इस मामले को लेकर यही अपडेट सामने आ रही है। जी बिल्कुल भावना, तो देखिए अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है तो जरूर है कि इसका पलटवार भी होगा और इस पर बयानबाजी भी होगी। फिलहाल अब ये देखने वाले बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए सांसद धीरज साहू से जुड़ा ये पूरा मामला है, आईटी के छापे में लगभग 200 करोड़ रुपए जो वहां से बरामद किए गए, इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कहा है लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जनता से जो कुछ लूटा है वो सब कुछ वापस करना होगा, एक एक पाई उन्हें वापस लौटानी होगी, और ये मोदी सरकार की गारंटी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।